नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का मेरा खास प्रोग्राम महिलाओं के लिए है। जी हाँ, हमारी वो माताएं बहनें जो कहीं जा नहीं सकती, कोई सामग्री ज़्यादा नहीं एकत्रित कर सकती, उनके लिए आज मैं एक बड़ी ही सटीक विधि लेकर आई। जी हाँ, आज की जो विधि है, अगर किसी का प्रेमी उससे दूर चला गया है, पति अब बात करके राजी नहीं होता, वो पति जो पहले जान छिड़कता था अब आपकी तरफ देखना भी उसे गवारा नहीं होता, तो ऐसे में एक महिला क्या करे? वो सिर्फ और सिर्फ परेशान होती है और अंदर ही अंदर घुटने लग जाती है। तो ऐसे में आपकी परेशानी का हल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि हम महिलाएं जो होती हैं वो अपनी परेशानी बहुत ही कम लोगों से शेयर कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, उन्हें अपनी समस्या बता पाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हम अपने घर की बात बाहर ले जाएंगे तो इसमें हमारे परिवार की बदनामी होगी, लोग हमारे घर के परिवार के बारे में, हमारे पति के बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन वो पति जो आपकी परवाह ही नहीं कर रहा, ऐसे पति के बारे में क्या सोचना। लेकिन वो पति है, इसलिए उसको अपने पास वापस लाना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो उपाय मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, अगर इस उपाय को आप सही तरीके से करते हैं तो आपका पति जो आपकी तरफ देखता नहीं, वो आपके प्यार में पागल हो जाएगा। वो चाहेगा कि दिन के 24 घंटे वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिताए, वो आपके साथ समय बिताने का बहाना ढूंढेगा। सही में ऐसा ही होगा अगर आप इस विधि को सही तरीके से अपनाते हैं तो। अगर आपका प्रेमी है जो आपसे दूर चला गया है, किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया है, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपके पास लौट आए तो आप इस विधि को अपनाइए। वो आपका प्रेमी आपके पास रहेगा और खुद ही चाहेगा कि जल्द से जल्द उसके साथ, आपके साथ उसका विवाह संपन्न हो जाए। वो हर कार्य करेगा आपसे शादी करने के लिए। जो कार्य इस वक्त आप कर रही हैं, आप परेशान हो रही हैं, जितना उसके लिए उतना वो परेशान होगा आपके लिए, उतना वो तड़पेगा आपके लिए। अगर आप चाहती हैं ऐसा, क्योंकि हर एक औरत का सपना होता है कि चाहे उसका प्रेमी हो चाहे उसका पति हो, सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ देखे, सिर्फ और सिर्फ उसके इर्द गिर्द रहे। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो इस तरीके को अपनाइए, इस उपाय को सही तरीके से कीजिए और अपनी हर समस्या का हल कीजिए। तो आइए, बिना समय बर्बाद करे मैं आपको बताती हूँ वो उपाय है क्या। और वो उपाय है मासिक धर्म के रक्त से वशीकरण का उपाय। जी हाँ, मासिक धर्म किसी भी स्त्री के जीवन का अनिवार्य हिस्सा होता है। जैसे ही युवती यौवन की पूर्णता को प्राप्त करती है, वो मासिक धर्म की शुरुआत होती है। उसी मासिक धर्म से आप अपने प्यार को अपने पास बांध सकती हैं, क्योंकि मासिक धर्म में बहुत ताकत होती है। तो आइए, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आपको किस सामग्री की आवश्यकता होगी। आपको अपने मासिक धर्म के दूसरे दिन के कपड़े की आवश्यकता होगी इसके लिए, और इसके साथ ही आपको चाहिए होगा नींबू और एक कलश। जी हाँ, नींबू, एक कलश और एक लाल कपड़ा। जी, और थोड़ा सा आपको सिंदूर की भी आवश्यकता होगी। बस इतनी ही सामग्री से आप अपने प्रेमी को, अपने पति को अपने वश में कर सकती हैं। जी हाँ, और इस तरह वश में कर सकती हैं कि वो सारी उम्र सिर्फ आपका ही नाम गुनगुनाएंगे। आप कहेंगी रात को दिन, तो वो रात को दिन भी कहेंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपका पति भी आपसे इसी तरीके से प्यार करे, तो बिना रुके इस विधि को अपनाइए, सही तरीके से अपनाइए, मंत्रोच्चारण सही कीजिएगा, क्योंकि मंत्रोच्चारण बहुत जरूरी है। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। आइए, अब मैं आपको वो विधि बताती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपने अपनी तर्जनी उंगली पर से उस जो लाल कपड़ा आपने लिया है, रक्त का कपड़ा आपने लिया है, मासिक धर्म के दूसरे दिन का कपड़ा जो आपने लिया है, उसके रक्त से आपको तिलक करना है अपना। जी हाँ, उस रक्त से आपको अपना तिलक करना है, और फिर हाथ में आपको नींबू लेना है इस तरीके से, और इसके ऊपर आपने सिंदूर भी लगाना है। आइए मैं बताती हूँ आपको कि विधि आपको किस प्रकार करनी है। सबसे पहले आपने मासिक धर्म के दूसरे दिन के कपड़े से अपनी तर्जनी उंगली से अपने माथे पर तिलक लगाना है, और फिर आपको नींबू पर सिंदूर लगाना है इस तरीके से। ये देखिए,
इस तरीके से नींबू पर पूर्ण रूप से आपको सिंदूर लगाना है और इसके बाद इस नींबू को हाथ में लेकर 11 बार मंत्र का जाप करना है। जब आप इस नींबू को हाथ में लेंगी 11 बार मंत्र का जाप करेंगी तो आपको अपने पति का ध्यान करना है, अपने प्रेमी का ध्यान करना है पूर्ण रूप से, उसके बारे में सोचना है और इस हद तक सोचना है कि जब आप मंत्र उच्चारण के लिए आंखें बंद करें तो आपके प्रेमी का, आपके पति का चेहरा आपकी आंखों के सामने हो। जी हाँ, जब इतना ध्यान आप अपने पति का कर लेंगी उसके बाद आपने एक मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर वो मंत्र क्या है, वो सिद्ध मंत्र क्या है जिसके उच्चारण मात्र से आपका पति, आपका प्रेमी आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। और मंत्र इस प्रकार है, शरीराय कुजस्विनी कामदा। जी हाँ, बस इतना सा ही मंत्र है और इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। 11 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद इस नींबू को आपको इस तरह कलश में डाल देना है। ये देखिए, ये कलश है, इसमें नींबू को डाल देना है और उसके बाद आपको लाल कपड़े की सहायता से इस कलश को पूरी तरह से बांध देना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप इस कलश को बांध दीजिएगा। पूर्ण रूप से आपको इस कलश को बांध देना है कि जब तक आपकी विधि संपन्न ना हो ये कलश खुलना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप इस कलश को बांध देंगी तो इसके बाद आपको ये कलश ले जाकर बहते हुए पानी में विसर्जित करना है। जी हाँ, जब आप इसे विसर्जित करेंगी, जैसे जैसे ये कलश पानी से दूर जाता जाएगा, पानी में आगे बहता जाएगा, जितना ये कलश आपसे दूर जाएगा उतना आपका प्यार, आपका पति, आपका प्रेमी आपके नज़दीक आएगा। जी हाँ, तो इस तरीके से इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसी जगह आपको ये विसर्जित करना है, कोई नदी हो, कोई साफ पानी वाली जगह हो। ऐसा नहीं है कि आप इसे गंदे नाले में जाके बहा दें, ऐसा भी आपको नहीं करना है। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, आपको साफ पानी जहाँ बह रहा हो वहां पे आपको इस कलश को ले जाकर विसर्जित करना है। जब आप इस कलश को विसर्जित कर देंगे, घर आएंगे तो इसका असर आपको चंद मिनटों में ही दिखना शुरू हो जाएगा। आपको चंद मिनटों में दिखने लगेगा कि आपकी विधि तो काम कर रही है और कुछ ही समय में जैसे जैसे ये कलश दूर जाएगा वैसे वैसे आपका पति, आपका प्रेमी आपके पास लौट आएगा। तो बिना समय बर्बाद करें इस विधि को अपनाइए और अपने आप को अपने जीवन को खुशियों से भर लीजिए। और भी कोई समस्या है, कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान करके आप थक गए हैं, जिससे आप सिर्फ परेशान हो रहे हैं, किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरुजी को कॉल करें, गुरुजी से बात करें, क्योंकि गुरुजी के पास हर समस्या का समाधान है। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, कोई भी विधि, कोई भी प्रयोग कभी भी किसी का बुरा करने की मंशा से मत कीजिएगा। जी हाँ, अगर आप अपने मन में किसी के लिए द्वेष रखते हैं, किसी के लिए गलत भावना रखते हैं और उस भावना के साथ आप विधि का प्रयोग करते हैं तो विधि वो आप पर ही भारी पड़ सकती है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए साफ मन और सच्ची भावना से प्रयोग कीजिए, वो कभी भी आपके लिए गलत नहीं होगा, हमेशा आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा, आपके कार्य को सिद्ध करेगा। और कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरुजी से बात कीजिए, उनसे अपनी हर समस्या का समाधान लीजिए, क्योंकि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान गुरुजी के पास ना हो। मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी।